इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो बॉडी जैसे रेस्ट पे है और दो फोर्सेस लग रही हैं एक बॉडी पे, एक फोर्स को यहाँ खींच रही है 10 न्यूटन, एक यहाँ खींच रही है 10 न्यूटन, तो बॉडी नहीं मूव करेगी, 10 और 10 आपस में क्या हो जाएगा कैंसल, तो नेट फोर्स क्या आएगी जीरो। क्लियर है यहाँ तक? तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो फिर अगर नेट फोर्स जीरो है इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तो इक्विलिब्रियम के टाइप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम तीन टाइप का है, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल, और कमाल की बात तीनों के अंदर नेट फोर्सेस जीरो, तो फिर तीन टाइप कैसे? चलो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको छोड़ो, पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसके ऊपर एक बॉडी रेस्ट पे है, नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है, आपने उस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ही आपने उसको डिस्प्लेस किया उसका, ताकि इक्विलिब्रियम खराब हो जाए, वो बॉडी फिर इक्विलिब्रियम में आ गई अपने आप। जब आपने उसको छोड़ा वो वापस वहीं पर आ गई जहां पर थी। कैसे? सपोज आपके पास एक फोटो फ्रेम है, एक फोटो ली आपने और आपने धागे के साथ एक कील के साथ टांग दी, ऐसे टांग दी, ये गई फोटो, गई फोटो, आपको ऐसी दिखेगी फोटो। कभी टेढ़ी चिपक जाए दीवार से बात अलग है, लेकिन अगर आप लटकाओगे सिमेट्री में तो आपको फोटो बिल्कुल मतलब नीचे की तरफ दिखेगी। या कोई भी पेंडुलम है, पेंडुलम कभी हवा में ऐसा टेढ़ा देखा है? नहीं, हमेशा नीचे दिखेगा आपको, इक्विलिब्रियम में दिखेगा। आपने क्या किया, इसको साइड पर डिस्प्लेस कर दिया, या पेंडुलम को साइड पर डिस्प्लेस कर दिया, ताकि इक्विलिब्रियम खराब कर दिया, छोड़ दो, वो घूम फिर के अल्टीमेटली कहां पर आ जाएगा, वहीं आ जाएगा जहां पर था। तो नेट फोर्स फिर से क्या होगी इसके ऊपर, ये फिर वहीं आ गया। तो ऐसा इक्विलिब्रियम कि जहां अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है और वापस घूम फिर के वहीं पर आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो मैं और एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक और एग्जांपल है स्टेबल का। जैसे सपोज आपके पास, मान लो ये एक दो दो शीट्स हैं या दो वॉल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, एक पॉजिटिव वॉल है एक नेगेटिव वॉल है। यहां पर बीच में मैंने एक रॉड ले ली मासलेस, और यहां पर दो चार्जेस लगा दिए, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब मुझे यह पता है कि एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, तो यह नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो मान लो इसने 10 न्यूटन से अट्रैक्ट किया, और ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, तो मान लो कितनी फोर्स से अट्रैक्ट किया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, 10 न्यूटन से किया, तो बोलो नेट फोर्स कितनी है, जीरो। तो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? यस, ये इक्विलिब्रियम है। क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा, रेस्ट पे है। पर आप गए, आपने इसको हल्का सा क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, घुमा दिया, और मान लो ऐसे ही इस एक्सिस के बाद घूम सकता है, मान लो घुमा दिया, आपको क्या लगता है कि ये बैठा रहेगा, ऐसे बैठा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव प्लेट इसको वापस फिर खींच लेगी, और इधर से पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव को यहाँ खींच लेगी, नेगेटिव इसे यहाँ खींच लेगी, और अल्टीमेटली ये सिस्टम अगर टेढ़ा भी कर दिया गया, ये वापस ऐसे आ जाएगा। अब जैसे मर्जी घुमा लो, इसने ऐसे आ ही जाना है। तो ये पहले भी इक्विलिब्रियम में था, अगर आप इसके इक्विलिब्रियम को खराब करने की कोशिश करोगे, ये वापस से किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो एक कौन सा एग्जाम्पल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या ये बात समझ में आई? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, आप हिलाओगे तो भी ये वहीं पे आ जाएगा, ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो फिर से ये रॉड है, इस बार मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया और यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, मान लो 10 न्यूटन से रिपेल किया, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मान लो कितने न्यूटन से, 10 न्यूटन से ही रिपेल किया, तो नेट फोर्स क्या होगी, फिर से जीरो, और ये रेस्ट का रेस्ट भी पड़ा रहेगा। पर मान लो, क्योंकि 10 और 10 आपस में कैंसिल हो गई ना, ऑपोजिट फोर्सेस, माइनस माइनस को रिपेल कर रहा है, प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, तो ऑपोजिट फोर्सेस फिर से कैंसिल। पर इस बार आपने इसको हिला दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ये देखो डिस्प्लेस कर दिया,
अब ये वापस नहीं आएगा ऐसे, ये तो जबरदस्ती टिका के रखा हुआ था आपने। जब आपने ऐसा किया, ये पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगी और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगी और फाइनल आपका डायग्राम फिर से वैसे ही बन जाएगा जैसा कि ये डायग्राम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। तो एक्चुअल में ये टेम्पररी अरेंजमेंट था कि आपने टिका के तो रख दिया, लेकिन जब आपने इक्विलिब्रियम को खराब किया तो ये किस पोजीशन पर आ गया, अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में फिर से आ गया, मतलब ये इस सिचुएशन में कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जबकि नेट फोर्स क्या थी इसके ऊपर, जीरो, हिलाने से ये वहां पे वापस नहीं आएगा। तो ऐसे केस में जब ये इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इसलिए क्योंकि ये फॉर टेम्पररी तो इक्विलिब्रियम में है, हिलाने से ये वापस किस में चला गया, स्टेबल। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो, आपने इक्विलिब्रियम खराब किया वो वापस इक्विलिब्रियम में आ गया। अनस्टेबल क्या हुआ, नेट फोर्स जीरो, आपने खराब किया वो वापस स्टेबल में आ गया, अनस्टेबल में कभी नहीं जाएगा। ठीक हो गया यहां तक। एक होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल कहता है अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी रख दो। जैसे एक कोन है ग्राउंड पे, एक कोन पड़ा हुआ है, कोन कहता है मेरी एनर्जी यहां पर, ये मान लो हाइट एच है, तो कोन कहता है मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी है, एम जी एच है, बात खत्म। ठीक है, आप गए, आपने कोन को धक्का मारा, वो कहता है मार लो धक्का, मेरे क्या जाता है, मेरी एनर्जी चेंज ही नहीं होएगी, मैं यहां लेट रहा हूं कोई बात नहीं, मैं ऐसे लेट जाऊंगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ये लो मेरी एनर्जी अभी भी एम जी एच है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इधर घुमा दो मुझे, आप मुझे इधर घुमा दो, आप जहां रखोगे मैं वहीं आके लेट जाऊंगा, मेरी कोई टेंशन ही नहीं है, आप मुझे यहां की यहां ले जाओ, इधर से इधर ले जाओ, यहां रख दो, मैं वापस ही नहीं आऊंगा, ना मैं ये कहूंगा कि मेरे को ऐसे ही रहना है ना मुझे वैसे रहना है, जहां रखोगे वहीं रख दूंगा। तो ये क्या है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आता, जैसी है वैसी की वैसी रहती है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ये पहले भी खुश था, ये बाद में भी खुश है, जहां मर्जी रख दो, ये न्यूट्रल है। ठीक, तो ये तो मेरे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम अब इसको मैथमेटिकली स्टडी करें तो पहली कंडीशन, चाहे कोई मर्जी इक्विलिब्रियम हो, पहली कंडीशन नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में सिस्टम पे क्या रहेगी, जीरो, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी, मिनिमम। कैसे, वो फोटो फ्रेम है या कोई भी पेंडुलम है, आप क्या करते हो, पेंडुलम को डिस्प्लेस करवाते हो, आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हो और छोड़ देते हो, वो कहते हैं मुझे बढ़ानी नहीं, मेरे को क्या करना है, मुझे नीचे आना है, नीचे से नीचे आना है, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं और मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। और ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, एक इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइट करते हो तो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे गिरता है ताकि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, और एनर्जी को क्या करता है, रिलीज कर देता है, ताकि एनर्जी उसकी मिनिमम से मिनिमम हो जाए, जितनी मिनिमम एनर्जी होगी उतना ही वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। अब है अनस्टेबल, अनस्टेबल की कंडीशन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, सिस्टम में नेट फोर्स जीरो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये उल्टा काम करता है। अनस्टेबल में क्या करेगा, अपनी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करेगा, और तभी तो जब आप उसको हिलाते हो तो वो स्टेबल की तरफ आ जाता है और अपनी एनर्जी को बिल्कुल कम कर लेता है। और न्यूट्रल में कुछ नहीं है, न्यूट्रल में जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या है, जीरो, कुछ भी नहीं करना, चेंज ही नहीं होती उसमें। तो अगर हम डिटेल में चलें स्टेबल इक्विलिब्रियम को, और डिटेल में डिस्कस करते हैं, कुछ ही तो रूल नंबर वन, फोर्स हमेशा क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स हमने किया था। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है फोर्स ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। फोर्स जीरो तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी क्या, जीरो, डी यू बाई डी एक्स जीरो। अब इसको या तो ऐसे पढ़ लो एफ जीरो डी यू बाई डी एक्स जीरो, नहीं तो एक काम करो, किसी भी इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। स्टेबल अनस्टेबल में यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। हमने एक टॉपिक किया था मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा क्या कहता है, किसी भी चीज को अगर आपने मिनिमम करना है
तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो इक्वल टू जीरो। देखो वही कर रहा हूँ मैं, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जीरो, लेकिन डी यू बाई डी एक्स क्या है फोर्स, तो सही हो गया ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ, या तो ऐसे एक्सप्लेन करो कि फोर्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर मैंने यू को डिफ्रेंशिएट किया और इक्वल टू जीरो किया ताकि यू की वैल्यू क्या हो जाए मिनिमम, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में यू हमेशा क्या होता है मिनिमम। तो दोनों चीज़ें से सेटिस्फाई हो रही हैं, तो पॉइंट नंबर वन क्लियर। मैक्सिमा मिनिमा के अंदर एक और कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी कि आप जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, अगर आपको दो बार डिफ्रेंशिएट करो और वो टर्म अगर क्या आ जाए पॉजिटिव, तो वो कौन सा केस होता था मिनिमा। अगर डबल डिफ्रेंशिएट करके आंसर आता है पॉजिटिव तो मिनिमा, और अगर डबल डिफ्रेंशिएट करके आंसर आता है नेगेटिव तो मैक्सिमा। एनसीईआरटी में, नीट में डबल डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता, मेंस में आता है। तो कंडीशन याद रखना, कैसे लगानी है अभी करके दिखाऊंगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन एफ इज इक्वल टू जीरो, एफ क्या होता है डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स भी जीरो। और नेक्स्ट कंडीशन, डबल डेरिवेटिव एनर्जी का हमेशा क्या होगा इसमें पॉजिटिव, और एनर्जी क्या होगी इसमें मिनिमम। अनस्टेबल में एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम। अब एनर्जी मैक्सिमम करने का मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा क्या कहता है, किसी भी चीज को चाहे मिनिमा कर लो चाहे मैक्सिमा कर लो, रूल रिमेन सेम। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो रूल तो इसका भी सेम है, कंडीशन इसकी भी सेम है, कंडीशन उसकी भी सेम है। फर्क कहां पर है, फर्क डबल डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपने मैक्सिमम करना है उसका डबल डेरिवेटिव हमेशा क्या आता था नेगेटिव। तो ये हमने मैक्सिमम मिनिमम में किया था कि अगर डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है तो यू मिनिमम या कोई भी चीज मिनिमम, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो एनर्जी मैक्सिमम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डबल डेरिवेटिव क्या आता है इसका जीरो। अब इसको यूज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलास को छोड़ो। जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है फोर्स की वैल्यू इसके इक्वल है, देखो थ्योरी तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे को पूछ नहीं रहा, आएगा तो न्यूमेरिकली, ये कैसे न्यूमेरिकल आएगा ये समझो। उसने कहा फोर्स एक्स पे डिपेंडेंट है, आपको एक्स निकालना है जब बॉडी किस में होगी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब नेट फोर्स बॉडी पे क्या होती है जीरो, तो आप इस एफ को क्या पुट करोगे जीरो, आप इसे जीरो पुट कर दो, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व करके एक्स निकाल लेना एक आंसर। तो रूल समझ में आ रहा है, आपको फोर्स गिवन है, इक्विलिब्रियम गिवन है, फोर्स को उठा के क्या पुट कर लिया आपने जीरो, एक्स की वैल्यू आ गई। पहला टाइप का न्यूमेरिकल क्लियर है, कुछ भी नहीं करना। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, आपको यू दे रहा है एफ की जगह और आपको क्या कह रहा है आप एफ निकाल लो। सही है, हमने किया ऐसा क्वेश्चन पहले भी, फॉर्मूला क्या लगेगा एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अगर आप इस यू को यहां पुट करें एंड डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास क्या आ जाएगी फोर्स आ गई। ये सेकेंड न्यूमेरिकल भी क्लियर है, ठीक है यहां तक। तीसरा न्यूमेरिकल, इसी क्वेश्चन में फोर्स आपने निकाल ली, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब जहां फोर्स नेट क्या होती है जीरो, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स जीरो, क्योंकि आपको यू गिवन था, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करके फोर्स निकाल ली, तो अब नेक्स्ट पार्ट में आपने फोर्स को क्या कर देना है जीरो। तो फोर्स कितनी है सिक्स एक्स माइनस टू जीरो, यहां से सॉल्व करके क्या आ गया एक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो आपने डिफरेंश पहले एफ निकाल लिया, एफ को इक्वल टू जीरो कर लिया, एक्स आ गया। सही है यहां तक। नेक्स्ट है एक्स की वैल्यू कितनी आई वन बाई थ्री, कब जब एफ की वैल्यू क्या है जीरो, तो यानी कि ये केस किसका चल रहा है इक्विलिब्रियम का। आप ये बताएं इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल अनस्टेबल कि न्यूट्रल। तो इसके लिए काम करेंगे हम U से स्टार्ट करेंगे, U लिखा, U को एक बार डिफ्रेंशिएट किया ये वैल्यू आ गई, U को डी यू बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट किया ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू क्या आई नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव आती है तो कौन सा केस है मिनिमा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है स्टेबल। समझ में आया कैसे चेक करना है, नॉन मेडिकल में चेकिंग आ सकती है, मेडिकल में तो फर्स्ट स्टेप आता है सिंगल डेरिवेटिव, इसे ऊपर नहीं आता, ठीक है यहाँ तक। एनसीईआरटी में भी डबल डेरिवेटिव कुछ नहीं आएगा।